नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध तरीके से हो रहे निर्माण को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बख्तावरपुर गांव में 3500 वर्ग मीटर पर हो रहे अवैध निर्माण को कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर नोएडा के बख्तावरपुर गांव में किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। किसानों और वहां के निवासियों ने प्राधिकरण के खिलाफ जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। वहीं मामले की जानकारी होते ही एसडीएम और सीओ भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को अपने हिरासत में ले लिया। तो अग्रिम सूचना भी दी गई थी, आज की तिथि का संज्ञान था और जो निस्तारण आदेश था वो भी इन्हें सर्व करा दिया गया था। तो लोगों ने अपने दुकानें खाली कर ली थी कल ही रात में और इस बात के लिए लगभग तैयार थे कि प्रस्तुतिकरण की कार्रवाई होगी और जो कि पीसफुली शांतिपूर्वक बगैर किसी अवरोध के संपन्न। सर, कुछ ग्रामीणों ने विरोध भी किया था, धरने भी बैठे थे, उनका कहना था कि हमें जानकारी नहीं दी गई थी। इसकी पूरी जानकारी थी, बगैर जानकारी के वो माननीय उच्च न्यायालय जा ही नहीं सकते थे, तो वो लेकर के आदेश को गए थे कि उन्हें किसी प्रकार का स्टे मिल जाए। तो यदि जानकारी नहीं थी तो हाईकोर्ट कैसे जाते। तो आरोप गलत है, पूर्णतः नियमानुसार है और जिसको भी कोई भी ग्रीवांस हो लीगली वो फिर से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।